दोस्तों भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे T20 मुकाबले में सुपर ओवर में 6 रन से हराकर उसकी औकात याद दिला दी और तोड़ दिया 90 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड। आखिरकार दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं कैसे भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में रौंदा, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हुआ, जिसका दूसरा T20 मुकाबला डोमिना के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 6 विकेट होने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा ईशान किशन ने 85 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वही तिलक वर्मा ने 65 रनों का योगदान दिया। उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब मैदान पर आई, वेस्टइंडीज की टीम को आखिरी ओवर में जब 5 रनों की जरूरत थी तो टोका लगाकर स्कोर को बराबर कर दिया, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ने भी 175 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों सुपर ओवर में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, जिसमें तिलक वर्मा ने 5 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को 31 रनों का टारगेट दिया। उसके बाद दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम ने सुपर ओवर में सिर्फ 24 रन बना पाई और इस तरीके से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज से दूसरा T20 मुकाबला सुपर ओवर से जीत लिया।